Hello, bachcho, let's read the question. Which of the following graphs represent the behavior of an ideal gas? Okay, so हमें बताना है यहाँ पे से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस. ओके, आइडियल गैस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, राइट. पी इज अ प्रेशर, वी इज अ वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज अ टेम्परेचर. ठीक है, देखो फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग दे रखे, अगर पी कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर पी हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तब हमारा वी और टी के बीच में स्ट्रेट लाइन मिल रही है. ये बिल्कुल सही ग्राफ दे रखे, क्योंकि देखो अगर आपका पी कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, आर तो गैस कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट ही है, और पी भी कॉन्स्टेंट हो गया और नंबर ऑफ मोल्स भी हम कॉन्स्टेंट लेके चले, तो यहाँ पे जो वी हो जाएगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, बाकी सारी क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट रहेंगी, यानी कि वी और टी के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो एक स्ट्रेट लाइन में हमें मिलेगी. ठीक है, तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो हमारा ग्राफ बनेगा वी वर्सेज टी के बीच में, वो इस तरीके का ही कुछ बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ हमारा बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस शो कर रहा है. ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. ठीक है, बी में देखो दे रखा है पी वी वर्सेज टी का ग्राफ बना रखे है. पी वी वर्सेज टी, देखो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमारी इक्वेशन होती है. ठीक है, अगर मैं पी वी को वाई एक्सिस पे ले रही हूँ और टी को एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ, देखो ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी कि पी वी एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ये वाली इक्वेशन. ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टेम्परेचर अगर मेरा इंक्रीज करे तो पी वी कॉन्स्टेंट रहे. अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पी वी का, पी और वी का प्रोडक्ट भी, ये भी इंक्रीज होना चाहिए, राइट. जबकि इसमें देखा ये कॉन्स्टेंट रहेगा, ये तो गलत है, राइट. तो ये हमारी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा. सी में दे रखे है कि अगर मेरा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो पी और वी के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा. देखो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, अगर मेरा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये हमारी राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि पी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी, और हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा पी और वी के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि इस तरीके से कुछ बनेगा ऐसे. ठीक है, जबकि सी में ये दे रखा है. ठीक है, ये हमारा बॉयल्स लॉ ही है. ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमारा पी वर्सेज वी ऐसे ग्राफ बनता है. ठीक है, तो हमारा सी वाला गलत हो गया. ठीक है, इस तरीके से डिक्रीज नहीं होगा, इस तरीके से बनेगा. ठीक है, ये हमारा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, फिर डी में देखो दे रखे है कि अगर पी वी वर्सेज टी का मैं ग्राफ बनाऊँ, देखो इस तरीके से तो नहीं बनेगा, फिर से गलत हो गया. अगर मैं पी वी वर्सेज टी का बनाऊँ तो देखो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अगर मेरा टी इंक्रीज हो रहा है तो पी और वी का प्रोडक्ट भी इंक्रीज होना चाहिए, राइट. तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. और पहली बात हमने पढ़ा हुआ है कि इस इक्वेशन, देखो सारे ग्राफ जो है आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको ये इक्वेशन पता आइडियल गैस की. ठीक है, इसमें जो भी दे रखा है, इसमें से फर्स्ट पी कॉन्स्टेंट दे रखा था, तो आप एक क्वांटिटी को कॉन्स्टेंट रख लो और बाकी दो वेरिएबल्स का देख लो कि कैसे चेंज हो रहा है, राइट. तो बस इस इक्वेशन के बेसिस पे हम सारे ग्राफ देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा जो करेक्ट आया है दैट इज ऑप्शन ए, कि अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, राइट. सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.